हापुड़ में एक बार फिर छात्रा पर हमले का मामला सामने आया है, जहां अपने घर से मंदिर के लिए जा रही छात्रा पर बाइक सवार हमलावर धारदार हथियार से हमला कर फरार हो गया। छात्रा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वही उपचार के बाद छात्रा को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। आपको बता दें कि मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के सबसे पॉश इलाके रेलवे रोड का है। बताया जा रहा है कि सुबह एक छात्रा अपने घर से फ्रीगंज रोड मंदिर के लिए निकली थी, तभी पीछा करते हुए आए एक बाइक सवार ने छात्रा की पीठ पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे छात्रा की पीठ पर चोट आई और छात्रा घायल हो गई। छात्रा को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। वही उपचार के बाद छात्रा को घर के लिए भेज दिया गया। भैया मैं ना मंदिर जा रही थी प्रकाश नगर से, तो ना एक बाइक पर एक लड़का आया पीछे से, तो वो पता नहीं क्या नुकीली चीज थी वो मेरे मारी उसने, और ना उसे मेरे ना चोट लगी। तो फिर मैंने ना उस लड़के को तो नहीं देखा, क्योंकि उसने ग्रीन कलर का मास्क लगा रखा था, ब्लैक कलर के उसके कपड़े थे। मैं बाइक का नंबर भी नहीं देख पाई और वो फिर चला गया, वो ऐसे मार के चला गया। तो मुझे एकदम अचानक से पता भी नहीं चला कि हो क्या गया। ये आज सुबह रेलवे रोड पर एक युवती पर अज्ञात हमलावर द्वारा चाकू से हमला किया गया था, जिसके उपरांत महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसमें मामूली सी चोट थी, डॉक्टरों ने फर्स्ट एड देकर उसको डिस्चार्ज कर दिया है। युवती के परिजनों की तरफ से तहरीर दी गई है, जिसके अनुसार मुकदमा लिखा जा रहा है। साथ ही अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु टीमें बना दी गई हैं। जल्द ही युवक को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।